अच्छी तरह से हम निरीक्षण करके देखें कि जैसे एक फूल प्रकट होता है पेड़ में, फिर खिलता है, फिर एक एक पंखुड़ियाँ उसकी झरने लगती हैं, फिर फूल या तो फल में रूपांतरित होता है और कभी कभी बिना रूपांतरित हुए वो ख़त्म हो जाता है। इस तरह से ध्यान देखें, एक ही बीज पेड़ के रूप में प्रकट होता है, पेड़ से फल निकलता है, बीज बनता है, और कभी ऐसा होता है कि बीज से पेड़ हुआ और पेड़ से फल नहीं मिला, किसी भी कारण वो वृक्ष वो पेड़ ख़त्म हुआ। ठीक वैसे अपने जीवन में देखें, हम एक शिष्य रूप में आते हैं, बड़े होते हैं, धीरे धीरे पुष्प प्रकट होता है, पुष्प कहते हैं वो सुगंध जिसे अद्वैत की सुगंध कहते हैं, परमात्मा की सुगंध। परमात्मा की सुगंध प्रकट हुई और बिना फल प्रकट हुए हम अदृश्य हो गए, जिसे परंपरागत से कहते हैं कि मर गए। और फिर देखें, कभी कभी इस तरह से होता है, हम शिष्य रूप में आए, पूरा जीवन बड़ा हुआ, एक उल्टे वृक्ष के रूप में प्रकट हुआ जिसकी जड़ ऊपर, सिर ऊपर, शाखाएं नीचे, फिर इसमें पुष्प प्रकट हुआ। पुष्प कहते हैं सुगंध। सुगंध क्या है? जो सच की विचारधारा है, सच्ची भावना है, सच्ची धारणा है, उसी को सुगंध कहते हैं। फिर पूरे शरीर से वो विचार प्रकट होने लगा और अंत में फल भी प्रकट हुआ। फल क्या है? कि अनुभव हुआ कि हमारे परमात्मा के बीच दूरी नहीं है, दूरी की शून्यता की अनुभूति। जब इस तरह से अनुभव हुआ, हम कहते हैं कि जीवन पूर्ण हुआ, हम पूरी तरह से जीवन जी लिए। फिर हम स्वेच्छा से जाते हैं और फिर आते हैं। जब हम क्रियायोग ध्यान करते हैं, क्रियायोग ध्यान करते करते जब अपने स्वरूप में पुष्प प्रकट होता है, ऐसी विचारधारा, ऐसा ज्ञान, ऐसी शांति तत्व जिसे सच कहते हैं, जिसे अहिंसा कहते हैं, फिर और ध्यान करते जाइए, अद्वैत की अनुभूति, फिर स्वयं का अस्तित्व है ही नहीं, केवल परमात्मा ही परमात्मा है, जिसे हम दृश्य जगत कहते हैं, परमात्मा इस रूप में प्रकाशित है। जब यह अनुभव होता है तो फल की प्राप्ति हो गई। जिस प्रकार बीज से पेड़ हुआ, पेड़ से फिर बीज हुआ, इसको पूर्ण स्थिति कहते हैं। वैसे हम शिष्य रूप में हुए, इसके बाद पूर्ण ज्ञान की अनुभूति हुई, हमारे परमात्मा बीच में दूरी है ही नहीं, फिर हम स्वेच्छा से जब चाहते हैं हम अदृश्य होते हैं, चले जाते हैं और आते हैं। और याद रखिए कि जब कोई चला गया, जिसको कहते मर गया, फिर उस शरीर को कोई रखता नहीं है, उसे या तो जला देते हैं या दफना देते हैं। कितना भी प्रेम हो लेकिन आप रखेंगे नहीं, कोई भी रखता नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है? कि जब हम स्वयं, हम जो भी हैं, हम स्वयं अपने स्वरूप को छोड़ दिए, हम स्वयं पैरों को छोड़ दिए, सिर से पैर की अंगुली तक एक एक अंग जो भी है, अब इनसे कोई मतलब नहीं रहा, तो और भी इससे मतलब नहीं रखते हैं। सिर से पैर की अंगुली तक इससे जितना हम अपना प्रेम बढ़ा लें, जिसे सच्चा प्रेम कहते हैं, वैसे वैसे पूरी दुनिया के सभी लोग इसको और स्वीकार करते हैं। जब हम राग द्वेष करते हैं, एक चिकन कूप स्टाइल में, एक छोटे से पारिवारिक जीवन में उसे में सिमट जाते हैं, तो याद रखिए दुनिया में कितने लोग चाहने वाले हैं,
कितने लोग प्रेम करते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। जब हम सिर से पैर की उंगली तक इसको इतना प्रेम करें कि इसके अंदर होने वाले सभी परिवर्तनों को हम प्रभु का रूप कहें, सिर से पैर की उंगली तक जो भी है निराकार परब्रह्म का साकार रूप, इसमें कड़ापन ढीलापन हल्कापन भारीपन ये सब ज्ञान की तरंगे हैं, शांति और शक्ति की तरंगे हैं, ये जीवन है, सब कुछ यही है। परमात्मा स्वयं ब्रह्मा विष्णु शिव स्वयं प्रकट हो रहे हैं सिर से पैर की उंगली तक इस रूप में और इसमें होने वाले परिवर्तनों के रूप में। जब इस तरह से अभ्यास करते हैं तब हम अपने को पूरी तरह से प्रेम करते हैं, और जब हम अपने को पूरी तरह से प्रेम करने लगते हैं तो दुनिया के सभी लोग प्रेम करने लगते हैं। हम दुनिया से कैसे जुड़े यही एक सदाचार है। सिर से पैर की उंगली तक एकाग्रता बढ़ें, इसकी जो दृश्य उपस्थिति है स्वीकार करें कि निराकार परब्रह्म का साकार रूप है, इसके अंदर के जो परिवर्तन हैं उन्हें सुख दुख न कहें, ये सारे परिवर्तन ये सब ज्ञान की तरंगे हैं, शक्ति की तरंगे हैं, ये जीवन की तरंगे हैं, इस तरह से हम समझें तो याद रखेंगे कि धीरे धीरे कैसे जीवन बदलता है, कैसे हम एक छोटे चिकन कोप स्टाइल से एक छोटे घर के वातावरण से कैसे हम बाहर निकलते हैं और पूरी दुनिया को अपनाते हैं। जब पूरी दुनिया अपना घर लगने लगे और इसमें जितने लोग हैं सब अपने परिवार के हैं, ऐसी स्थिति में राग द्वेष नहीं होता है, इंद्रियों की जो अनुभूतियां हैं उसमें समता स्थापित होती है और राग द्वेष संभव नहीं है, और क्रियायोग ध्यान करने से हम सब उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे क्रियायोग ध्यान करेंगे सिर से पैर की उंगली तक जो भी अपनी यह उपस्थिति है इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाते हैं, इसकी अनुभूतियों को स्वीकार करते जाते हैं, फिर आप देखेंगे जीवन ऐसा बदलने लगता है कि जैसे मानव से महामानव की ओर, हमारी यात्रा अज्ञान से ज्ञान की ओर, अशांति से शांति की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर, ये अपने आप होती है। तो निष्कर्ष क्या रहा कि सिर से पैर की उंगली तक इसको खूब प्रेम करें। प्रेम करने का तरीका क्या है, इसको स्वीकार करें। स्वीकार करने का तरीका क्या है, इसमें एकाग्रता बढ़ाएं। जो अनुभूतियाँ हों उसे ईश्वरीय अनुभूति स्वीकार करें। ईश्वरीय अनुभूति का अभिप्राय क्या है, यही ज्ञान है, शक्ति है, शांति तत्व, यही जीवन, यही परमानंद। इस तरह से हम स्वीकार करते जाएं तो हम देखेंगे कि व्यापकता अपने आप बढ़ने लगती है। जैसे जैसे व्यापकता बढ़ेगी उसको ऐसा समझें कि अब पुष्प खिल रहा है। व्यापकता बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि ज्ञान हो जाता है कि जिसे हम कहते थे कि मैं हूँ, ये आप हैं, यह है, वह है, ये सब गलत भाषा थी, केवल परमात्मा का ही अस्तित्व है।